जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आदि शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ भगवती आपको यश दे, सभी को कीर्ति दे, मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम जगत जननी से करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम गुलोम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्जले प्रज्जलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटवहाण्डे, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंताय निसुम्भासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करिष्मे। ऐंकारी सस्य रूपाय भींकारी प्रतिकालिका क्लिंकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती चैंकारी वैदानी विच्चैन चाय बदान नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम भीम भूम वागदीश्वरी क्रम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्याम शिम शुम में शुभम करु हुम 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 कार रूपिणीं। जम 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 बनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरी वदे भवान नित्य नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम चम बीम दुम मैं बीम हम चम दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तदा मुलाम मुली मुलुम मुल विस्न कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप सती देवे मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ति ने दात्यम गोपीतम रक्ष पार्वतीम। रहस्यमय ज्ञान किचन में, रसोई घर जो होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, मां अन्नपूर्णा का वास होता है, शांति नामक देवी का भी वास होता है। तो जिस मनुष्य के घर में किचन यानी रसोई घर, रसोड़ा जिसको बोलते हैं, यदि वह अस्त व्यस्त रहता है, उसमें साफ सफाई नहीं रहती है, तो मान करके चले उसके घर में भी अस्त व्यस्तता रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहती है, मां अन्नपूर्णा की कृपा नहीं रहती है, खाने में टेस्ट नहीं आता है, धन की कमी बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने रसोई घर में हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, सभी चीज व्यवस्थित जमी हुई होनी चाहिए। जितनी आप साफ सफाई रखेंगे उतनी आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार रसोई घर में बासी बर्तन कभी भी नहीं रहना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, अन्यथा अलक्ष्मी यानी दरिद्रता नाम की देवी घर में आ जाती है, अशांति नाम की देवी घर में आ जाती है। ये बहुत छोटी छोटी हमारी परंपरागत दादी माँ के नुस्खे हैं, जो दादी माँ हमें बोला करती थी, माताओं से बोला करती थी, अपनी बहुओं से बोला करती थी, वही चीज आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हो, लक्ष्मी जी चाहते हो, तो बासी बर्तन कभी भी अपने रसोई घर में नहीं होना चाहिए। सोने के पहले सभी बासी झूठे बर्तन आपको साफ करके ही सोना है, तो आपके यहां पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। यदि रसोई घर में मासिक धर्म से युक्त अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री, एमसी पीरियड वाली स्त्री किचन में जाती आती हो, खाना बनाती हो, तो उस घर में भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, अलक्ष्मी की कृपा वहां पे आ जाती है और दरिद्रता नाम की देवी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि अपने अपने घरों में इन तीन चार चीजों का अवश्य ध्यान रखें कि घर के अंदर बासी बर्तन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए रात के वक्त में, और साथ ही साथ में किचन की शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म से युक्त कोई भी स्त्री, अशुद्ध स्त्री, चाहे वो घर परिवार की सदस्य हो या बाहर वाली कोई स्त्री हो, वो नहीं जाना चाहिए। तो घर के अंदर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बहुत से घर वाले हमें फोन करते हैं कि साहब हम तो दरिद्री हो गए, हमारे यहां पैसे की बहुत कमी है, पूजा पाठ भी कैसे कराएं, बिना पैसे के पूजा पाठ भी पूरा नहीं होता है और पैसा हमारे पास है नहीं तो पूजा पाठ कैसे होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो पैसा क्यों नहीं, क्योंकि आपने ये गलतियां की है, इसीलिए आपके यहां पे ये समस्या आ गई। तो बासी बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और रसोई घर में तवे से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जहां पर किचन होता है अंदर, वहां पर पानी का घड़ा, गगरा, बेरा, फिल्टर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आग और पानी में शत्रुता होती है। किचन हमेशा अग्नि कोण में ही होना चाहिए, तो ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अग्नि कोण में यानी कि पूर्व दक्षिण कोने में अग्नि कोण कहा जाता है, वहीं पर ही किचन होना चाहिए। पूरब मुखी होकर के भोजन बनाना चाहिए जिससे बीमारियां नहीं आती है, अन्यथा जिस घर में अग्नि कोण में रसोई घर नहीं है उस घर में बीमारियां अवश्य आती है। गरम तवे पर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। बहुत सी माता बहनें हमने देखा है तवा जब गरम हो जाता है तो उस पर दो चार छह बूंद पानी डालती है, फिर कपड़े से साफ करती है। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना है। गरम तवे पर कभी भी पानी नहीं छिड़कना है, क्योंकि गरम तवे पर पानी डालना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि तवा जो है एक तरीके से शनि और राहु का प्रतीक होता है। उसमें जब गरम हो जाता है तो मंगल भी जुड़ जाता है, तो राहु, शनि और मंगल तीनों पापी ग्रह हो जाते हैं, और जब उसके ऊपर हम जल यानी कि चंद्रमा डालते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यानी तीनों चीजें शनि, राहु और मंगल तीनों क्रोधित हो जाते हैं, और जब तीनों क्रोधित हो जाते हैं आप जल डालते हो तो वहां पर जल दोष की उत्पत्ति उत्पन्न होती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति फिर बीमार होता है, इसलिए गर्म तवे के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। गरम तवे पर जैसे रोटी डालते उसके पहले पानी छिड़कते हैं, तो ये आप अपनी तरफ से एक तरीके से मुसीबत को बुलाते हो। जैसा मैंने विश्लेषण में बताया आपको कि तवा जो है अपने आप में शनि का प्रतीक होता है, राहु का प्रतीक भी होता है, और चूंकि गरम हो जाने पर वो मंगल भी उसके साथ में जुड़ जाता है, तो तीनों ये पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। उन तीनों के ऊपर आप जब जल छिड़कते हैं यानी कि चंद्रमा डालते हो तो वह आपको नुकसान प्रदान कर सकता है, बीमारी देता है वो। और गरम तवे पर हम जब डालते हैं तो एक तरीके से उस जल का अपमान करते, वरुण देवता का अपमान करते हैं, जो भारी संकट को जन्म दे सकता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तवे का संबंध राहु से है और जल का संबंध चंद्रमा से है। तो चंद्रमा हमेशा हमारे जीवन में खुशियां लाता है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है, जबकि राहु हमेशा जीवन में संकट पैदा करता है। तो गर्म तवे पर पानी डालने से आने वाली आवाज से जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। तवे को गर्म करने के पहले, चूल्हे पर रखने के पहले, जब वो ठंडा रहता है उस समय उन पर पानी छिड़कना चाहिए। फिर वो जब धीरे धीरे गर्म होता है तो उस कपड़े से साफ करते हैं, इससे घर के सदस्यों का गुस्सा कम होता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। फिर तवा जो होता है यह राहु का प्रतीक है, इसलिए इसे हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए। जब भी आप रोटी बनाए, पराठे बनाए, कुछ भी बनाए तवे के ऊपर, उसको धो के साफ करके ही रखना चाहिए और इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति की डायरेक्ट नजर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब घर के सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि तवा यहां पे रखा हुआ है, बाकी अन्य जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनकी निगाह हमारे घर के तवे पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि रोटी बनाने के पहले तवे पर नमक छिड़कना चाहिए। ऐसे तो नमक का मतलब हो गया मां लक्ष्मी का प्रतीक नमक माना जाता है, इसलिए इसे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और साथ में ही तवा जब गर्म होता है उस पर नमक छिड़कते हैं, पानी के बजाय नमक छिड़कने से तवा जो है एंटीबायोटिक का यानी साफ सफाई होने का काम करता है, कीटाणु होते तो मर जाते हैं और सेहत खराब नहीं होती। इसलिए जब रोटी बनाए उसके पहले तवे पर नमक डाल करके फिर उसको सफाई करना चाहिए। और पहली रोटी हमेशा किसी जानवर, पशु पक्षी को देना चाहिए, अलग निकाल के रख देना चाहिए, फिर परिवार के किसी सदस्यों को भोजन देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। रोटी बनने के बाद में तवे पर पानी भी नहीं छिड़कना चाहिए और तवे को कभी भी उल्टा या लेटा करके ना रखें, इससे राहु का दोष बढ़ता है और घर पर मुसीबतें आती क्योंकि तवा राहु का प्रतीक होता है। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि किचन से बहुत सारी बीमारियां भी चलती है और किचन से सुख समृद्धि शांति भी चलती है। तो ये सभी माता बहनों को, पुरुषों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि तवे पर किस समय पे पानी डालना है और किस समय पे पानी नहीं डाला जाता है। तो जब तवा गर्म होता है, जब रोटी सब बन जाती है, तो बहुत सी महिलाएं उसमें गरम गरम नल के नीचे रख करके पानी डालती है और फिर सिंक में रख देती है। तो ऐसा बिल्कुल करना बंद कर दें। तवे को ऑटोमेटिकली ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उसको धोकर के खड़ा करके रखना चाहिए। तवे को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय उस पर पानी छिड़कना चाहिए जब वो ठंडा रहता है। गरम तवे पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और तवे को हमेशा साफ करते रहा करें, जिससे घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अधिकांश घरों में जब क्लेश, दुख, अशांति होती है तो वास्तु दोष निकल करके आता है, यानी किचन जो है ईशान कोण में बना देते हैं तो भी घर के अंदर दुख, क्लेश, परेशानी और अशांति आती है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ईशान कोण में कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, रोटी पानी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा कष्ट तो आएगा ही आएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। और अग्नि कोण में कभी भी पूजा रूम नहीं होना चाहिए, अग्नि कोण में कभी भी लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह भी कष्टों का कारण बनता है। जब किचन की बात चल रही है तो किचन में ये जो भी बासी रोटी बचती है उसमें नीचे की एक या दो रोटी को पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए दूसरे दिन निकाल देना चाहिए। इससे भी घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। किचन में जाले नहीं होना चाहिए क्योंकि किचन में हमेशा अन्नपूर्णा माँ और महालक्ष्मी का वास होता है। वहीं से खाना शुद्ध स्वच्छ पवित्र बनता है और वहीं से खाने में टेस्ट आता है। तो यदि किचन के अंदर आपने गंदगी कर रखी है, किचन के अंदर अंधेरा है या किचन के अंदर जाले लगे हुए हैं, तो उस किचन में निश्चित तौर से जो भोजन बनेगा वह दूषित भोजन बनेगा। दूषित भोजन खाने से शरीर दूषित होगा, मन दूषित होगा, खून दूषित होगा और बीमारियां लगेगी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि इन नियमों का पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें। जय मां कामाख्या।